बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है मम्मा को बताया क्या। एक जंगल में एक छोटा सा हाथी था, पीकू। पीकू बहुत ही शरारती था और अपना मम्मा की कोई बात नहीं सुनता था। आपको पता है, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, इसलिए मम्मा ने कहा, पीकू तुम जंगल में अकेले मत घूमा करो। आपकी मम्मा आपको मना करती है तो आप क्या करते हो? पीकू ने तो कहा ठीक है, लेकिन दूसरे दिन उसे एक दोस्त मिला, एक लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, पीकू मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार गेम है, उसको कहते हैं सीक्रेट गेम। पीकू ने कहा, अच्छा अच्छा बताओ क्या करना है इसमें। लोमड़ी ने कहा, कल सुबह तुम्हें नदी के किनारे जाना है और वहाँ पे से एक चमकीला पत्थर खोज कर लाना है। पीकू ने कहा, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोमड़ी ने कहा, सीक्रेट है, ये गेम किसी को बताते नहीं। पीकू ने कहा, पर मम्मा ने तो कहा है कि मम्मा से कोई सीक्रेट नहीं होता। लोमड़ी ने कहा, ये तो नहीं होगा, ये तो गेम ही सीक्रेट गेम है, मम्मा ने सीक्रेट गेम के लिए थोड़ी ना मना किया है। पीकू ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन वो मम्मा को बिना बताए नदी किनारे पहुँच गया। अभी नदी किनारे पहुँच गया और उसने सोचा, चलो अभी मैं जाके खोजता हूँ चमकीला पत्थर, ये कौन सी बड़ी बात है। तभी उसे कुछ आवाज आई। आपको पता है ये आवाज किसकी है? शेर की। अब तो पीकू डर गया। शेर? अभी उसे समझ में आया कि लोमड़ी ने उसे फंसा दिया, उसने उसे शेर के पास पहुंचा दिया और मम्मा के बिना। पीकू तो रोने लगा, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो। और शेर धीरे धीरे पीकू के पास आने लगा। शेर ने सोचा, आज तो मैं तुम्हें खा के रहूंगा। तभी वहां पे बहुत सारे हाथियों ने उस पीकू को घेर लिया और इतने सारे हाथियों को देख के शेर भी भाग गया। जंगल का राजा भी दुम दबा के भाग गया। पीकू ने अपनी मम्मा को देखा और वो रोने लगा। बोला, मम्मा मुझसे बहुत गलती हो गई, आज मैंने सीक्रेट गेम खेलने के चक्कर में आज तो मेरी जान जा सकती थी। मम्मा ने कहा, इसलिए बोला था बेटा, मम्मा इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप कभी भी कोई बात मम्मा से शेयर करना ही करना है और कोई सीक्रेट नहीं रखना है। पीकू ने कहा, मैं समझ गया, आज से मेरी प्यारी मम्मा जो है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड रिमेंबर नो सीक्रेट।